आगे और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। खजराना गणेश मंदिर आने के लिए आपको सबसे पहले खजराना चौराहा, जहां पर शस्त्राभव अर्जुन की प्रतिमा लगी हुई है, वहां पर आना पड़ेगा। वहां से मंदिर पर जाने के लिए दो रास्ते रहते हैं। एक रास्ता राइट हैंड पर जाता है, जो आपको मंदिर की पार्किंग के लिए वहाँ से सीधा मिलता है। दूसरा रास्ता इधर रहवासी क्षेत्र से होते हुए जाता है। यहाँ पर जाने के बाद आपको खजराना मंदिर आएगा। पहले यहीं से ही अंदर मंदिर पर जाया जाता था। यहाँ पर भी दोनों साइड मंदिर के प्रसाद की हार फूल माला की दुकानें लगी हुई है, और यहाँ भी आपको थोड़ा मोल भाव आप कर सकते हैं। मंदिर का यहाँ से भी एंट्रेंस है, पहले यहीं से जाया जाता था, अभी उधर आगे जाके पार्किंग है। पार्किंग के पास से दो, ये आपकी मंदिर के ठीक पीछे आपकी कार और वाहन खड़े करने के लिए पार्किंग यहाँ पर भी दी हुई है, और अंदर जो है वो सरकारी मंदिर प्रशासन की तरफ से बना हुआ है, वो निःशुल्क है। ये मंदिर का पीछे का रास्ता है। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। पहला एक पार्किंग का है, दूसरा वीआईपी दर्शनों के लिए व्यवस्था हैगी। ये वीआईपी पर्सन के लिए गेट है। यहाँ से जाके आप सीधे मंदिर के अंदर जा सकते हैं। कार भी आपकी यहीं खड़ी हो जाती है। और जो दूसरा इधर से जो आते हैं, यहाँ से जो गाड़ी आपको आती जाती दिख रही है, वहाँ से इधर जाते हैं तो आपको पीछे थोड़ा पार्किंग है, वहाँ से आपको अंदर आना पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ प्रसाद की हार फूल की दुकानें लगी हुई है, और यहाँ से ये हम अंदर आते हुए, ये वीआईपी गेट है। और ये जो दूसरे साइड से आते हैं तो ये इस रास्ते से आना पड़ता है। ये जो आप कार जाते हुए दिख रहे हैं, वहीं से कार आती है, और साइड से अंदर आप पार्किंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ से इस रास्ते से आप अपनी वाहन टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है आप यहाँ से अंदर ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये वीआईपी पार्किंग और एंट्रेंस, ये भी काफ़ी बड़ा है। यहाँ से आपको जो शनि मंदिर दिख रहा है, और ये यहाँ पे जो मंदिर के पुजारियों के मकान बने हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी पुराने पुजारी हैं। ये शनि मंदिर और शनि मंदिर के ठीक पीछे का गार्डन है, और यहाँ से भी आप मंदिर के लिए जा सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा पार्किंग है। और खजराना मंदिर की स्थापना रानी माता अहिल्याबाई होलकर ने 1735 में की थी। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सुबह से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक प्रसादी वितरण की जाती है निःशुल्क। और यहाँ से भी अभी हम अंदर मंदिर के लिए चलेंगे। ये काफ़ी सुकून भरी जगह है, और हम रात को 10:30 बजे यहाँ पर आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर मंदिर में जाने से पहले थोड़ा सा खुला, जहाँ पर लोग खड़े रह सकते हैं, खेल सकते हैं, बच्चे बैठ सकते हैं, तो ऐसे दो फाउंटेन लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको मंदिर पर आने पे काफ़ी सुकून मिलता है। रात में आने का यहीं पे यही मज़ा रहता है कि दिन भर की थकान मिटाते हुए रात को शांति से आओ, फिर अपने शांति से पूरा सुकून से मंदिर के दर्शन करो, और अपना कुछ समय यहाँ पर बिताएं, जिसका अपने आप में एक अलग मज़ा आता है। परिवार के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, अकेले आएँ, जैसे भी आएँ, आपको यहाँ पर काफ़ी शांति मिलती है। यहाँ पर जो गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, वो यहाँ के गणेश जी स्वयं भू हैं। मतलब जो मंदिर के ठीक सामने कुंड है, वहाँ से मूर्ति खुदाई में निकली थी, जो एक चमत्कारिक मूर्ति है, जो यहाँ आने वाले सभी दर्शनार्थी और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। ये देखिए, यहाँ पर जो तीन मंदिर हैं, उनके दर्शन कीजिए। यहाँ सभी दानदाताओं ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने अपने परिवार के लिए, किसी ने अपने पूर्वजों के नाम पे अलग अलग मंदिर, जहाँ जिसको जैसी जगह मिलती है वहाँ पर बना दिए हैं। ये देखिए, यहाँ पर जिसने बनाई उनका नाम भी लिखा हुआ है। भैरव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, और यहीं पर दोनों फाउंटेन है, और काफ़ी घूमने की जगह भी है। और यहाँ पर बुधवार
और चौथ के दिन और नए साल पे तो इतनी भीड़ लगती है, मेला सा लगता है। अभी यहाँ पर हम लोग आए रात में हैं ताकि शांत वातावरण मिले और आप लोगों के लिए हम एक अच्छा सा वीडियो भी बना सके। यहाँ काफ़ी शांति मिलती है इस समय पे। अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं और ये है सत्संग हाल है यहाँ पे खजराना मंदिर का। यहाँ पर काफ़ी बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जो बाहर से ही भक्तों को मंदिर के खजराना गणेश जी के दर्शन करा देती है। नए साल 1 जनवरी पर तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि ऐसा लगता है कि लगभग पूरा इंदौर ही यहाँ पर भगवान के आशीर्वाद के लिए आता है। यहाँ पर खजराना गणेश के भक्तों पर असीम कृपा है, सभी कुछ न कुछ मन्नत के लिए मांग के लिए आते रहते हैं और उनकी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण भी करते हैं। ये एक और मंदिर है और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये उधर से पार्किंग से आते हुए यहाँ पर दुकानें है प्रसाद की, हार फूल माला की। यहाँ पर पहले पुराने समय में अलग दुकानें थी, साइड में रिहा करती थी ये। अभी आप जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी जो अब काफ़ी विकसित हो गया है। ये खजराना मंदिर में जाने का एंट्रेंस है। ये मेरे बच्चे पंखुड़ी और वैभव मस्ती करते हुए। ये देखिए यहाँ पर जो है आपको आरओ सिस्टम लगा हुआ शुद्ध पानी के लिए और पूजन सामग्री और प्रसाद की दोनों तरफ दुकानें लगी है। यहाँ करीब करीब 50 के आसपास दुकानें हैं जिन पर सभी पर भगवान की मेहरबानी है जो सुबह से खुलती है और रात को 11 बजे तक 12 बजे तक भी चालू रहती है। अभी देख लीजिए 11 बज रही है, दुकान चालू है, हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर भी आप घूम सकते हैं फ़ोटो खींचने का, घूमने का। यहाँ पर एक अलग ही आनंद है, भक्ति और मनोरंजन यहाँ दोनों मिलता है। और यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था, जैसे भी हमारा इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। ये देखिए यहाँ पर 2 भाग बने हुए हैं, एक भाग से एग्ज़िट है, एक भाग से एंट्री है। ये एंट्री में CCTV और जो चेकिंग के लिए जो मशीनें लगी रहती है सब लगी हुई है। और ये खजराना मंदिर के दर्शन, जय श्री गणेश। ये है मेन खजराना मंदिर और ये यहाँ से अंदर आते हुए ये देखिए यहाँ पर काफ़ी मार्बल का और ग्रेनाइट का काम करा हुआ है और भक्तों को दिन में धूप की गर्मी, धूप से जो फर्सियाँ गर्म हो जाती वो न लगे, इसलिए कारपेट भी प्रशासन द्वारा बिछाया गया है। और ये सारी अरेंजमेंट सुविधाएं आपके दानदाताओं द्वारा दिए गए दान राशि से जो आप दान पेटी में डालते हैं उसी से होती है। और ये मंदिर दान के मामले में सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर सर्वाधिक दान आता है। ये देखिए यहाँ पर संतोषी माता के 2 मंदिर है। पहला मंदिर ये है जो अभी एंट्रेंस में आते ही सीधे हाथ पे पड़ता है, काफ़ी अच्छा है, इस पर कांच का काम करा हुआ है। और ये दक्षिणमुखी हनुमान जी गणेश जी के ठीक सामने, जय श्री राम, जय हनुमान जी। ये देखिए कारपेट बिछा हुआ है और ये देखिए पूरा वाइट मार्बल का काम करा हुआ है। और ये मंदिर की छत और ये मंदिर का एंट्रेंस, ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक आप जो देख रहे हैं ये और एक जो दूसरा राइट हैंड साइड पे भी दिख रहा है वहाँ से भी एंट्री होती है। ये सरस्वती माता की प्रतिमा बनी हुई है और ये मेरा परिवार यहाँ से अंदर आते हुए, पर इनको यहाँ से दूर से दर्शन नहीं करना थे तो ये थोड़ा सा घूम के उधर से आए हैं दूसरी साइड से ताकि ये भगवान के दर्शन और पास से कर सकें। ये देखिए ये दूसरे साइड से अंदर आते हैं। आज 22 जुलाई 10 का रिजल्ट आया था, ये देखिए खजराना गणेश मंदिर, रिद्धि सिद्धि के दाता इनके साथ में
माता। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं ये पूरा चांदी का वर्क किया हुआ दीवारों पर, और पहले यहाँ पर जो अंदर भी जाने देते थे पर भीड़ काफ़ी लगने के कारण सब बाहर से ही व्यवस्था की गई है। ये आप चांदी के मूसक, ये आज क्या है, टेंथ का रिजल्ट आया था तो दोनों बच्चे टेंथ वाले हैं, हमारी पंखुड़ी भी टेंथ में थी तो आज भगवान का आशीर्वाद लेने आए। ये देखिए रात को 11 बज रही है। ये मंदिर के गणेश जी मंदिर के ठीक पास में महाकाल महादेव का मंदिर है, सबसे पहले यही आता है, पर हमने सबसे पहले गणेश जी के दर्शन करे, हमारा वैभव आशीर्वाद लेते हुए भगवान की इसी की इच्छा थी कि पंखुड़ी जी जी के टेंथ पे पास होने की खुशी में हम घर से पैदल ही आए थे। सबके अपने अपने मान्यता है, यहाँ पर एक मान्यता और भी है कि आप अगर आपको किसी भी प्रकार की मन्नत मांगना हो, आपकी मुराद पूरी नहीं होनी हो तो आप उल्टे स्वस्तिक बनाकर भी गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं, जो यहाँ काफ़ी भक्त करते हैं कि उल्टे स्वास्तिक बना के जाएं और अपनी मन्नत पूरी होने पर भगवान का आशीर्वाद लें। जहाँ पर श्री खजराना गणेश भगवान भी काफ़ी भक्तों की सुनते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये हमारी पंखुड़ी भगवान का आशीर्वाद लेते हुए प्रसाद चढ़ाते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। जय श्री गणेश। गणेश जी के ठीक पास में एक तरफ शंकर भगवान का मंदिर है, दूसरी तरफ महामाया दुर्गा माता जी का मंदिर है। जय माता की। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्रसन्न हो माँ महामाया। रात की 11 बज चुकी थी इसलिए मंदिर सब बंद कर दिए थे, पर दर्शन होते रहते हैं यहाँ पर, करीब 9-9:30 बजे तक सारे मंदिर के गेट खुले रहते हैं, बाकी फिर सब अपने अपने पुजारी चले जाते हैं, सबको अपना अपना देखना पड़ता है। ये देखिए बाहर जो रौनक है ये अपने आप में एक निराली है, और रात में जो आनंद आता है ये अद्भुत है। ये दत्तात्रेय मंदिर के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा और ये दत्तात्रेय भगवान। जय हो भगवान। इन्हीं के पास में विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और गरुड़ भगवान। जय लक्ष्मी नारायण की जय। फिर यहाँ पर वेंकटेश जी की है मूर्ति, ये देखिए। इसके बाद उत्तरमुखी हनुमान जी। जय श्री राम। यहाँ पर भी खजराना गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, सबके अपने अपने बताया था कि आपको अपने अपने जगहों के हिसाब से सब दानदाता अपना मंदिर निर्माण कराए। ये ऊपर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर श्री राम दरबार लगा हुआ और नीचे हनुमान जी पर्वत उठाते हुए हैं। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। ये देखिए पूरा मंदिर। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान जी की जय। श्री राम। गणेश मंदिर, ये नज़ारा इसी समय दिखता है, पूरी शांत वातावरण है। देखिए मंदिर में मुश्किल से 50 लोग भी नहीं थे, जबकि यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं, दिन भर आते हैं। ये श्री राम दरबार ऊपर लक्ष्मण जान की जय बोलो स्थापित हैं। ये हनुमान जी और ये इनका प्रांगण। जय। भक्तों को धूप ना लगे इसके लिए पूरा टीन शेड भी लगा हुआ है, और ये मंदिर से ऊपर से नीचे का दृश्य देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, काफ़ी आनंद सा आ रहा है। यहाँ पर कितनी भी आपको मानसिक तनाव हो आप आएंगे तो आपको शांति भी मिलेगी और भगवान गणेश जी की कृपा भी मिलेगी। ये जो गुम्बज आप देख रहे हैं जहाँ पर लाइट दिख रही है, यहाँ पर दिए जलते हैं, और ये मंदिर के पीछे साइड से यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति स्थापित है, नीचे अभी आपको ये भी देखने को मिलेगा। अभी हमने नीचे जो सत्संग हाल देखा था हम उसके ऊपर खड़े हैं।
ये देखिए, ये हनुमान जी ने जो पर्वत उठा रखा था वो ये बना हुआ है, एक तरफ से आने का एक तरफ से जाने का रास्ता है। पूरा मंदिर पे देखिए मार्बल और कारपेट, ये देखिए यशोदा मैया, कृष्ण भगवान और वासुदेव जी। ये सब मित्र हैं, टेंथ में थे। ये लक्ष्मी मैया, एक तरफ सरस्वती संतोषी माता का मंदिर है, एक तरफ लक्ष्मी जी का मंदिर है, सेम ऐसा। जय हो लक्ष्मी महालक्ष्मी, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। जय हो लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा सभी पर बनी रहे। जय हो शिरडी के साईं बाबा। ये साईं बाबा का प्रांगण है, यहाँ पर साईं बाबा की तीन मूर्तियाँ स्थापित है। जय शनि, ये शनिदेव का मंदिर है। ओम शनि शनिश्चराय नमः। ये प्रसाद और भेंट काउंटर है, यहाँ पर आप शुल्क दे के प्रसाद ले सकते हैं। ये शनिदेव की स्तुति बनी हुई है, ये शनिदेव का मंदिर। जय शनिदेव। यहाँ पर भी दो मूर्तियाँ हैं, ये बाहर भक्तों के लिए तेल वगैरह चढ़ाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, और वो मेन मूर्ति है। ये मंदिर के पीछे का, जब अंदर आए थे हम VIP गेट से, जब आपको बताया था कि ये शनि मंदिर का पीछे का हिस्सा है, और देखिए कितना सुंदर गार्डन है, बैठक व्यवस्था है यहाँ पर भक्तों के लिए, इसीलिए यहाँ पर काफ़ी सुकून मिलता है। और रात के समय पे आप देख लीजिए पूरा शांत वातावरण है, अपने आप में एक अलग ही आनंद है, यहाँ से घर जाने की इच्छा नहीं होती है। ये देखिए पूरा मंदिर, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये खजराना मंदिर है। ये हमारा वैभव बहुत खुश है, उसकी जीजी टेंथ में अच्छे नंबर से पास हुई है। ये शनि मंदिर के पास में यहाँ पर तीन मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं। ये शिव दरबार, इसी के ठीक पास में संतोषी माता जी, एक संतोषी माता जर गेट पे घुसते से राइट हैंड पे, एक ये लेफ्ट हैंड पे शनि मंदिर के पास है। ये देखिए पूरा मंदिर है ना, अच्छा पढ़े लिखे इसीलिए तो आए हाथ जोड़ने भगवान के, अगली बार और अच्छे नंबर आए। जय, ये उसी के पास में राधा कृष्ण का एक और मंदिर, ये भी फोटोशूट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर फोटो काफ़ी अच्छे आते हैं। यहाँ पर माता जी के तीन मंदिर हैं। जय हो राज राजेश्वरी। ये राज राजेश्वरी माता का मंदिर। जय, और ये जो आप देख रहे हैं भादव माता अन्नपूर्णा मैया का मंदिर। जय माता की। जय, और ये हिंगलाज माता की। जय हो, जय हो। काफ़ी भक्त यहाँ पर आते हैं, कुछ भक्तों का तो नियम है कि जो रोज़ ही आते हैं, कुछ बुधवार बुधवार आते हैं, कुछ त्योहारों पर आते हैं, कुछ छुट्टियों में आते हैं, पर कुछ भी अच्छा काम होता है तो मंदिर आते ज़रूर हैं, कुछ पिकनिक मनाने भी आते हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा भी लगता है। ये हमारे इंदौर का सर्वश्रेष्ठ मंदिर है और काफ़ी पुराना है, 1735 में बनाया है देवी अहिल्या माता ने। यहाँ पर ये देखिए बाहर नंदी देवता, इन्हीं के ठीक सामने अंदर गर्भगृह में महाकालेश्वर मंदिर, उनके ठीक ऊपर चिंतामण गणेश मंदिर। कुछ भी शुभ कार्य करते हैं, शादी वगैरह होती है तो यहाँ पर पत्रिका चढ़ा के जाते हैं, भगवान को इनवाइट करते हैं। ये भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ। और ये इनके ऊपर खजराना गणेश जी, एक और प्रतिमा। और यहाँ पर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो भी आपकी मनोकामना जल्दी सुनते हैं। और ये मंदिर खजराना मंदिर के ठीक पीछे का स्थान है, पहले यहाँ पर परिक्रमा होती थी,
जो अब ऊपर से तो बंद कर दिया, बाहरी बाहर परिक्रमा आप कर सकते हो। ये महाकाल और खजराना मंदिर के ठीक पास में गायत्री माता का मंदिर। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय हो गायत्री माता की जय। उसी के ठीक पास में पानी की व्यवस्था है, पीने का शुद्ध पानी है, नर्मदा माता की कृपा है यहाँ पर। और यहीं पर इन्होंने नर्मदा माता का एक प्रतिमा भी स्थापित की है, नमामि देवी नर्मदे। जय नर्मदे। यहीं कर और यहीं वर, यहाँ कथा व यहीं कर यहीं कहावत काफ़ी प्रचलित है। ये मंदिर का शिखर और ध्वजा लहराती हुई। ये ठीक पास में भैरव जी का मंदिर है और ये मंदिर काफ़ी पुराने हैं। ये देखिए रात के लगभग 12 बज गए हैं और बाहर पूरा मार्केट बंद हो चुका है, पर मंदिर अभी भी चालू है और अब सबको जाने का बोल रहे हैं कि आप भी जाइए ताकि हम भी जाएं सो सके। उनको सुबह 6 बजे फिर आना रहता है। जय जय भैरव बाबा। जय हो सिद्ध भैरव नाथ जी का मंदिर। इनके मंदिर के सामने भी काफ़ी खुला सा एक प्रांगण है और ये पेड़ के ठीक नीचे जहाँ पर हमारी पंखुड़ी आशीर्वाद ले रही है, भगवान के हाथ जोड़ रही है, ये नरसिंह भगवान का मंदिर है वहाँ पर। और ये देखिए जय नरसिंह भगवान की जय। ये विष्णु भगवान का अवतार नरसिंह भगवान। ये तो नरसिंह भगवान है। जय श्री हरि विष्णु की जय। विष्णु अवतार। और ये हमारे दर्शन पूरे न हुए और हम अब अपने घर की ओर आते हुए। जय 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 गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन भाता। जय देव जय देव। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री गणेश।